आपको आपके महान लक्ष्य तक जाने के लिए जो करना होगा वो है आपको मैसिव एक्शन लेना होगा। हर एक सफल और कामयाब इंसान ये जरूर जानते हैं कि हर एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव प्रेजेंट ही एक सफल और प्रोडक्टिव फ्यूचर बनाएगा। सफल लोग हमेशा से बस यही सोचते हैं कि वो कैसे भविष्य में एक बेहतरीन जीवन बनाएंगे। सफल लोग अपने अतीत को एक एक्सक्यूज की तरह नहीं बल्कि एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते रहते हैं, और इसीलिए ही अपने अतीत को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो और जीवन में जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हो वो हासिल करो। कभी भी अपने हालात के लिए दूसरों को दोष मत देना। अपने अंदर ये विश्वास रखो और एक नया सिचुएशन तैयार करो। आपके भविष्य का शुरुआत आज होने वाला है, कल नहीं। अपने अतीत को ये हक भूल कर भी मत दो कि वो आपके भविष्य पर प्रभाव डाले। आपके अतीत की हार को आपके भविष्य के रास्ते में बाधा बनने मत दो। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके अतीत में क्या हुआ है, बस इससे ही फर्क पड़ता है कि आप अब क्या करने जा रहे हो। आपके जीवन में अगर समस्याएं हैं तो फिर उन सारे समस्याओं का चैलेंज का नाम दे दो और उन सारे समस्याओं का नया समाधान ढूंढो। अगर आपके माइंड से ठीक है तो फिर इस दुनिया में समस्या नाम की कोई भी चीज है ही नहीं। आपके जीवन में चैलेंजेस हो सकता है और नया नया चीज सीखने के लिए भी हो सकता है, पर कोई भी समस्या नहीं हो सकता। सफलता और कुछ नहीं बल्कि आपके मन की एक स्थिति है बस। कोई भी सफलता हासिल कर सकता है अगर वो अपने मन को मजबूत बनाए तो। इस दुनिया में कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है अगर वो ये विश्वास करे कि इस दुनिया में सब कुछ ही संभव है। जो लोग लिमिटेशन पर विश्वास करते हैं वो बस लिमिटेशन पर ही बंधे होकर रह जाते हैं और उसमें ही जीते हैं। आप अगर ये मानने लगेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं तो फिर उसके बारे में शिकायत करने के बजाय उसका समाधान ढूंढो। अगर आप समाधान नहीं ढूंढोगे तो फिर वो आपके जीवन भर समस्या बनकर आपके सामने रह जाएगी। आप जीवन में बाकी में बहुत ज्यादा कुछ डिजर्व करती हो और आप अगर एक्शन लेंगे तो फिर आप ज्यादा कुछ पा सकती हो। अगर पैसा आपका समस्या है तो फिर जब तक ना वो समस्या खत्म हो उसके ऊपर काम करो। अगर मोटिवेशन आपका समस्या है तो फिर उसके ऊपर काम करो। खुद को और ज्यादा कैपेबल बनाने के ऊपर काम करो। इस दुनिया में सिर्फ आप ही नहीं हो जिसके जीवन में समस्याएं हैं। आपके लक्ष्य इम्पॉसिबल नहीं है। आपके लक्ष्य को बस आपके डेडिकेशन की जरूरत है।